कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही खास है और ये है दाल फ्राई तड़का, स्पेशल नॉर्थ इंडिया का स्पेशल ढाबे रेस्टोरेंट और होटल की स्पेशल दाल तड़का है ये। जिस तरह से नॉर्थ में, पंजाब में, राजस्थान में या दिल्ली में इसे ढाबों में बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे मैंने इसे बनाया है। आप लोग इसे घर पे बना सकते हैं, सेम स्वाद आएगा, लेकिन मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। जो जो इंग्रेडिएंट जितने जितने मैंने इस्तेमाल करे हैं, बिल्कुल वैसे आप इसे घर में बनाइए और ये बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा आपका, गारंटेड। इसके लिए एक पैन के अंदर बड़ा चम्मच तेल लीजिए, 2 बड़े चम्मच। इसके अंदर शाहजीरा 1 चम्मच मैंने डाला है और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला डाल के पानी के साथ मैंने पीस लिया था, ये 1 चम्मच डाल के इसे भी 1 मिनट पकाएंगे। अब इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है मैंने 2, और बारीक कटी हुई अदरक, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और ये कसूरी मेथी जो शुरुआत में ही डाली जाती है इस तरह से, अब इसे फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। रेसिपी बिल्कुल ध्यान से देखिए और एज इट इज़ बनाइए घर पर। इसके लिए प्याज लिया है चॉप करके, 1 बड़ा प्याज हमने, वो भी फ्राई कर लेंगे। जो प्याज नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं प्याज डालना, उसके बगैर भी टेस्ट वैसा ही आएगा। इसे ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। ये देखिए प्याज लगभग भून के तैयार होने लग चुका है। अब इसके अंदर हम 1 बड़ा टमाटर बारीक काट के हमने वो भी इसमें डाल दिया, और इसे भी इसी तरह से एकदम सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है। जितना अच्छे से हम ये मसाला भूनेंगे दाल का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा दाल फ्राई का टेस्ट। सबसे पहले हम दाल फ्राई बना रहे हैं, इसमें हमने धनिया भी डाल दिया है, इसे भी पका लेंगे अच्छे से। ये देखिए अब हम इसके अंदर मसाले में केवल कुछ भी नहीं डालेंगे, अभी तक हमने इसमें नमक भी नहीं डाला है, हम इसमें सिर्फ सूखी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, और इसे भी पका लिया हमने। ये देखिए ये तैयार है। इसके ऊपर हमने उबली हुई दाल जो हमने पहले से उबाल के रखी है, हरी साबुत मूंग दाल 1/4 कप, चना दाल 1/4 कप को हमने 1.5 कप पानी में 4 विसल आने तक उबाल लिया था। मूंग की दाल को आप 4 घंटे पहले भिगो के रख दीजिए उबालने से पहले, और दाल में उबालते वक्त ना मैंने नमक डाली है, सिर्फ हल्दी डाल के मैंने इसे उबाला है ज़रा से ऑयल के साथ। ये देखिए अब इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे धीरे धीरे, दाल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है, दाल को पकाना है, पानी बिल्कुल अभी ऐड नहीं करना है, अभी सिर्फ दाल को पकाना है। और दाल बनाते वक्त पानी का मैंने कम इस्तेमाल किया है जिससे कि दाल थोड़ी गाढ़ी बने इस तरह से, ठीक है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे 1/4 कप दाल को, थोड़ा से मसालों को और दाल को अच्छे से पकाने के लिए, और इसको करीब 6 से 7 मिनट अच्छे से पकाएंगे कि आप खुद देख पाएंगे स्क्रीन पर कि अभी पानी बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है दाल से। थोड़ी देर बाद ही उबाल आने के बाद देखिए पानी और दाल बिल्कुल अच्छे से एक हो जाएंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, इस वक्त हमने सबसे लास्ट में दाल में नमक ऐड किया है। आप ये ट्रिक इस्तेमाल करिए, आपकी दाल बिल्कुल बिल्कुल ढाबे जैसी बनेगी, गारंटेड। इसमें बटर डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच, इससे बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आने वाला है। ये बटर का स्टेप मिस नहीं करना है, ज़रूर से डालिए, अच्छे से मिलाइए। ये देखिए अब इसके ऊपर हम एक ट्रिक लगाएंगे जो बिल्कुल ढाबे होटल रेस्टोरेंट वाले करते हैं। हमने इसके अंदर कच्चा टमाटर के बड़े पीसेस काट के हम इसके अंदर डालेंगे। इसे हमने पका लिया है, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये हमने टमाटर के पीसेस डाल दिए। इसके पीछे ये कारण है कि जो टमाटर का फ्रेश जूस है उसका टेस्ट दाल के अंदर आएगा और दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। टमाटर हल्का हल्का पक सा जाएगा लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सेम ये ट्रिक ढाबे वाले इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसा करिए, दाल के अंदर ये टमाटर ऐड करिए लास्ट में, इसको पकाइए 2 मिनट, धनिया डालिए, ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। दाल बनके तैयार है, गैस बंद कर दीजिए। अब हम इसको जब खाने लगेंगे तब तड़का लगाएंगे। उसके लिए बड़े घी के 2 चम्मच में हमें घी गरम करके उसमें 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के तड़का बनाया है, और कुछ मिलाना नहीं है, और ये तड़का सिर्फ सर्व करते वक्त हमने इसके ऊपर लगाना है। घी जैसे ही गर्म हो जाए गैस बंद करिए, मिर्ची पाउडर मिलाइए और तड़के को अच्छे से हिलाकर दाल के ऊपर सर्व कर दीजिए जब खाने बैठे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। मैं हर थर्सडे और फ्राइडे नई नई रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, इसी तरह से ढाबे रेस्टोरेंट और होटल की सीक्रेट रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।